ट्राइंगल क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी is equal to C upon sin C is equal to 2R. A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. ये देखो, ये solution of triangles का topic का नाम क्या है? Solutions of triangles. ये A B C जो है ना, ये sides है, और जो angle है, angle पे angle C है ना, वो angle है triangle के. इसके है triangle के. तो हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पे sides and angles का ही बात चल रहा है. 2R क्या है? R जो है वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है, इसलिए उसको सर्कम रेडियस बोला जाता है. R जो है वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सर्कम रेडियस. क्या बोला जाता है उसको? सर्कम रेडियस. द फॉर्मूला इज A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R, वेयर R इज सर्कम रेडियस. Where R is circum radius of triangle ABC. Of triangle ABC. तुम लोगों को इसमें इसका डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से. सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे. हम लोगों को यही प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC, the sides of the triangles are proportional to the sine of the angles. The sides of the triangles. क्या क्या है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स? यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू होम साइन ऑफ द एंगल्स. साइन ऑफ द एंगल्स मतलब साइन ए, साइन बी, साइन सी. ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल्स, ठीक है? द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स ए बी सी आर द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल्स, आर प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल्स, ठीक है? तो लेट अस टेक द ट्रायंगल फर्स्ट. मान लो कि ट्रायंगल है आपके पास ए बी और सी, ये आपका ट्रायंगल है. ऑब्वियसली साइड ए के ऑपोजिट क्या रहेगा? साइड ए. बी के ऑपोजिट क्या रहेगा? साइड बी. और सी के ऑपोजिट क्या रहेगा? साइड सी, ठीक है? इतना क्लियर हो गया. मान लेते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, लेट ए डी बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है? अब इस पे ध्यान दो, अच्छे से एक ही प्रूफ करेंगे, बाकी सिमिलरली लिखेंगे. सो नाउ लेट AD बी परपेंडिकुलर टू BC, लेट AD बी परपेंडिकुलर टू BC. तो अपना AD कितना आएगा, ध्यान देना अच्छे से. AD इज इक्वल टू, AD कितना आएगा अपना? गाइस अगर मैंने एंगल C लिया तो साइन C क्या होता है? साइन सी इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस. ऑपोजिट कौन है इधर? एडी. और हाइपोटेनस कौन है इधर? बी. इस ट्रायंगल के हिसाब से ये तो सबको समझ में आता है. साइन सी इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस. ऑपोजिट है एडी और हाइपोटेनस है बी. सो एडी कितना आएगा? बी साइन सी. चलेगा? सो एडी को लिख सकता हूँ मैं बी साइन सी. एडी कितना आ गया? बी साइन सी, ठीक है? एडी हो गया बी साइन सी. Now in triangle, therefore area of triangle, अगर मैं area of triangle ABC का बात करूं, so area of triangle ABC कितना होता है? Half into base into height. So half into base, base कितना मेरा BC, into height, height कितना मेरा AD. Half into base into height, half into BC into AD. So half रहने दो ऐसे. BC कितना है मेरा? A. BC कितना है मेरा? A. और AD कितना है मेरा? अभी जस्ट निकाला मैंने. AD कितना है मेरा? B sin C. तो ये बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. आपने बहुत जगह पढ़ा भी रहेगा. हाफ AB sin C, हाफ AB sin C, हाफ BC sin A, हाफ AC sin B. बहुत तीन फॉर्मूला इसके. तो उन्होंने जो पहला ट्रायंगल लिया है उसमें उन्होंने क्या किया है? इन ट्रायंगल ABC द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो हाफ इनटू BC इनटू AD. BC कितना था मेरा? A था. और AD कितना था मेरे पास? B sin C. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? Half into AB into
साइन सी हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी। अब इस टू को मैं उधर लेके जाऊं तो क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, टू टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना मिलेगा आपको, ए बी साइन सी, टू वहां पे चला गया ए बी साइन सी, ये हो गया पहला ट्राइंगल कौन सा जहां पे हम लोगों ने ए डी को परपेंडिकुलर लिया। सिमिलरली जब मैं साइड ए लूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी, इधर बी डी बनेगा। फिर अगर मैं साइड ए बी को बेस लूंगा तो सी डी परपेंडिकुलर बनेगा। तो सिमिलरली वी कैन फॉर्म टू मोर ट्राइंगल्स विद अदर परपेंडिकुलर्स ऑन अदर साइड्स। तो सिमिलरली वी कैन से दैट टू ए टाइम्स, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैन ऑल्सो बी रिटन एज द अनदर फॉर्मूला फॉर साइन एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप सबने पढ़ा है दूसरा फॉर्मूला होता है इसका ए सी साइन बी, सबने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल वेक्टर्स ए सी साइन बी। ए सी साइन बी कब मिलेगा गाइस, जब आप इधर से परपेंडिकुलर लोगे और इसको ये परपेंडिकुलर लोगे और इसको एंगल बनाओगे तो इसका ऑपोजिट क्या रहेगा सी डी और इसका हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा ए, तो ए सी साइन बी। सिमिलरली जब आप इधर इसको परपेंडिकुलर बनाओ बी डी को परपेंडिकुलर बनाओगे तो बी डी को परपेंडिकुलर बनाओगे तो एंगल क्या रहेगा, एंगल ए रहेगा। टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी द थर्ड वन विल बी, हम लोग ने देखो ये परपेंडिकुलर बना है, ये परपेंडिकुलर भी बन सकता था और ये परपेंडिकुलर भी बन सकता था, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये बनेगा आपका अक्यूट एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री, और जब ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये बनेगा आपका अक्यूट एंगल, ठीक है। सो फॉर दिस फॉर एंगल बी टू बी एन अक्यूट एंगल द फॉर्मुला विल बी ए सी साइन बी, एंड फॉर एंगल ए टू बी एन अक्यूट एंगल द फॉर्मुला विल बी बी सी साइन ए, बी सी साइन ए। दीज आर द थ्री केसेस वी गॉट, ठीक है। Now, अगर मैंने तीनों कंपेयर किया, ऑल थ्री आर द एरियाज ऑफ ट्राइंगल एबीसी, डबल ऑफ एरियाज ऑफ एंगल एबीसी, टू वे ट्राइंगल एबीसी, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तीनों को इक्वेट कर सकता हूँ ना, तीनों को इक्वेट किया तो पहले क्या आएगा साइन ए। सो बी सी साइन ए इज इक्वल टू ए सी साइन बी इज इक्वल टू ए बी साइन सी, हो गया तीनों इक्वल। इसको डिवाइड कर देते हैं एबीसी से, टू डिवाइड बाय एबीसी, जैसे इसको एबीसी से डिवाइड किया अपना काम हो जाएगा। डिवाइड बाय एबीसी क्या हो जाएगा, बीसी बाय साइन ए अपॉन एबीसी इज इक्वल टू एसी साइन बी अपॉन एबीसी इज इक्वल टू एबी साइन सी डिवाइड बाय एबीसी। क्या मिला आपका आंसर, आपको आंसर मिलेगा साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड साइन सी डिवाइड बाय सी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसी को इनवर्ट एंडो ले लिया तो अपना प्रूफ आ जाएगा। देयरफॉर ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये हम लोग को प्रूफ करना होता है, ये आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, देख लो अच्छे से, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, समझा सबको, यहां तक किसको डाउट है, देख लो एक बार सर, ये वाला पॉइंट सिमिलरली वाला पॉइंट, हाँ ये बताना है, हाँ सर एक बार प्लीज, ठीक है। देखो अभी यही ट्रायंगल पिक करते हैं ए बी सी और मैंने अभी ये परपेंडिकुलर लेना है, लेट देखो ये साइड ए रहेगा, ये साइड बी रहेगा, ये साइड सी रहेगा, लेट ए डी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये सी हो गया पूरा, लेट ए डी भी परपेंडिकुलर टू, लेट सी डी भी परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर सी डी ए बी को परपेंडिकुलर तो मैं ये वाला आपको ट्रायंगल ले रहा हूँ, क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन बी इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो ऑपोजिट कौन है सी डी और हाइपोटेन्यूज कौन रहेगा ए, तो सी डी कितना आएगा गाइस, सी डी आएगा मेरा ए साइन बी, ठीक है ना, ए साइन बी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस, बेस कौन है, बेस ए बी है, हाफ इंटू बे इंटू हाइट, हाइट कौन है, हाइट सी डी है,
वैल्यू पुट करो सिर्फ हाफ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा सी और सी डी कितना हो जाएगा ए साइन बी कितना मिलेगा आंसर ये टू ए जे के साथ जाएगा ए सी साइन बी ए सी साइन बी बोलो समझा यस सर ऐसे थर्ड में बी डी बी डी विल बी द परपेंडिकुलर ठीक है क्लियर हो गया ना ये हाँ सर ठीक है तो इसमें हम लोग को आगे ये भी प्रूफ करना है कि ऑल दिस रेशियोज आर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस टू टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस वो भी पढ़ाना है मुझे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर इक्वल टू टू आर दिया है ना तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे टू आर वाला पार्ट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका देखो पेपर में अगर थ्योरम आया ना तो आपको एडिक्टो ऐसे ही लिखना है पेपर देखो दो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों इंपॉर्टेंट है तो साइन और कोसाइन में दोनों सिखाने वाला हूँ प्रोजेक्शन तो आपका कोसाइन से आ जाता है तो ये थ्योरम अगर आता है पेपर में तो आपको इतना लिखना ही है इक्वल टू टू आर बोला ये भी प्रूफ करना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग सेकंड डायग्राम बनाना पड़ेगा डिक्टो टेक्स्ट बुक जैसे है कर रहा हूँ मैं ठीक है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला तीनों अलग अलग साइड्स लेके और तीनों को इक्वेट किया डिवाइड बाई एबीसी किया एंड वी गॉट द रेशियो A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. Now we have to prove that each of this ratio is equal to 2R. Each of this ratio is equal to 2R. हटा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एकदम सेम ऐसा लिखना है पेपर में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है पेपर में थ्योरम आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है साइन रूल का हटा रहा हूँ डन एवरीवन नाउ हमको प्रूफ करना है कि ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 2R व्हेन R इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी सर्कम रेडियस सर्कम रेडियस मतलब जो सर्कम सर्कम का सेंटर होता है ना उधर से जो सर्कम फोरस टच करता है उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस तो हम लोग अभी आगे आगे यहाँ पे प्रूफ करना है कि आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी सो ऑल दिस रेशियोस इज इक्वल टू 2R ऑल दिस रेशियो इज इक्वल टू 2R तो कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे नॉट टू प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू 2R Each ratio is equal to 2R. How to prove that each ratio is equal to 2R? हाँ, मैं टेक्सबुक का वही कॉपी करूंगा आपको अच्छे से समझा के दूंगा क्या है ना यहाँ पे दिया गया लिखा है as the sum of three angles is 180. As the sum of three angles is 180, at least one of the triangle, at least one of the angle is not a right angle. At least one of the angle is not a right angle. Okay? मान लेते हैं suppose तीनों एंगल मिला के 180 होता है दो दो अगर दो भी वाले दो 90 हो जाएंगे लीनियर पेयर से तो एक तो राइट एंगल नहीं रहेगा एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज नॉट अ राइट एंगल कम से कम एक तो राइट एंगल नहीं बनेगा क्योंकि दोनों 90 भी रहते तो एक जीरो तो नहीं हो सकता इससे समझ में आता है कि एक ही 90 बनेगा बाकी तो बाकी बनेंगे तो मान लेते हैं कि ए इज नॉट राइट एंगल Suppose angle A is not a right angle. Angle A is not a right angle. Suppose angle A is not a right angle. क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? We will draw diameter through A. Draw diameter through A. Draw diameter through A. Let it meet circle. NP अब आते हैं डायग्राम पे सर्कम रेडियस में आपको कब से बता रहा हूं कि सर्कम सर्कल होता है तो सर्कम सर्कल के लिए हम लोग को पहले ट्रायंगल को सर्कम सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा ठीक है तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल ए बी और ये हो गया सी ठीक है इतना समझ में आ गया अब बड़ा बड़ा बनेगा ठीक है
ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी, ठीक है ना। हाँ सर, खींचते हैं परपेंडिकुलर। सपोज ड्रॉ डायमीटर थ्रू ए, दिख रहा है, ड्रॉ डायमीटर थ्रू ए, लेट इट मीट सर्कल इन पी। ये सर्कल को पी पे मीट कर रहा है, ठीक है, ये डायमीटर हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये डायमीटर। अभी ए के सामने जो साइड था वो कितना था, ए था, बी के सामने जो साइड था कितना था, बी था, सी के सामने जो साइड था कितना था, सी था, कितना क्लियर है। ये जो एपी रहेगा, एपी क्या रहेगा, टू आर, डबल रेडियस है ना, डायमीटर है भाई, तो एपी कितना रहेगा, टू आर, और ये क्या रहेगा आपका, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, कितना क्लियर है। तो एपी हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया डायमीटर थ्रू ए, ड्रॉ डायमीटर थ्रू ए, लेट इट मीट सर्कल इन पी, कहां पे मीट करता है सर्कल को, सर्कल को वो पी पे मीट करता है, सर्कल को कहां मीट करता है वो, सर्कल को वो मीट करता है पी पे। तो अगर मैं अगर यहाँ से पूछू कि एपी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो क्लियरली पता है कि हमको एपी डायमीटर है, तो एपी कितना हो जाएगा, टू आर, एपी कितना हो जाएगा, टू आर। एंड आप क्लियरली बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए सी पी राइट एंगल होगा, आप पूछो मत कैसे, ट्राइंगल ए सी पी इज अ राइट एंगल, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, पढ़ा रहेगा सबने अच्छे। तो अगर आपने देखा तो ए सी पी जो है वो सेमी सर्कल के अंदर है, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, समझ में आया सबको पक्का है। सो एपी इज इक्वल टू टू आर एंड ट्राइंगल ए सी पी इज अ triangle ACB is a right angle triangle, is a right angle triangle. Q, angle inscribed in a semicircle is a right angle. Angle inscribed in a semicircle is a right angle. ठीक है? अब दो angle inscribed हो रहा है, कौन-कौन सा? Angle ABC and angle APC. तो geometry part चल रहा है इधर. Angle ABC देखो, ABC, ABC का arc क्या है देखो? ये है ना इंस्क्राइब्ड आर, एंगल एबीसी का, और एंगल एबीसी एपीसी का भी इंस्क्राइब्ड आर सेम है, और दोनों का इंस्क्राइब्ड आर अगर सेम रहता है तो बोथ द एंगल्स आर इक्वल। आपने ये भी पढ़ा रहेगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर का कॉन्ग्रेंट, ठीक है। सो एंगल एबीसी एंड एंगल एपीसी आर इंस्क्राइब्ड इन सेम आर, आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर, दोनों का आर्क सेम है, मैंने आपको बोर्ड पे बना के भी दिखाया है। ए बी सी का भी आर्क यही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पी सी का आर्क भी यही है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोनों के दोनों एंगल्स जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के दोनों एंगल सेम ही आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए पी सी, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए पी सी, इतना क्लियर हो गया। ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए पी सी, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क का कॉन्ग्रेंट, ठीक है, ये क्लियर है ना। हम लोग को इतना समझ गया कि ए बी सी इज इक्वल टू ए पी सी, ठीक है। देयरफॉर निकालते हैं हम लोग साइन बी, तो कैन यू सी दैट साइन बी इज सेम एज साइन पी, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इक्वल, बी एंड पी इक्वल है ना, साइन B is equal to sin P, और sin P कितना आएगा, opposite by hypotenuse, तो opposite क्यों है उसका B, और hypotenuse क्यों है उसका AP, और AP का length कितना है 2R, so B upon 2R, तो sin B कितना मिला मुझे, B upon 2R, यहाँ से अगर मैंने ratio लिया, so B upon sin B कितना आएगा, B upon sin B is equal to 2R. B upon sin B 2R आया। Similarly we can show that A upon sin B भी कितना मिलेगा, आराम से काम हो जाएगा। तो हमने जो पीछे प्रूफ किया था उसको 1 बोल देते हैं, ये इसको ये वाले पार्ट को 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, and from 1 and 2 we can say that अगर ये रेशो 2R है तो ये और ये रेशो भी 2R होगा, so from 1 and 2 we can say that A upon sin A is actually equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to 2R. This is answer. एक बार पढ़ो ना इसको, एक बार पढ़ के लो, ये पूरा लिखना है पेपर में आया था थ्योरम, फिर पढ़ के लो एक बार। पेपर में अगर आया तो थ्योरम पूरा लिखना है।
लास्ट ईयर तक ना सिर्फ यहाँ तक ही प्रूफ करते थे हम लोग, रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू द करेस्पॉन्डिंग साइन ऑफ द एंगल्स, बट इस वाले टेक्स्ट बुक में हम लोग को यहाँ पे दिया इक्वल टू 2r पे प्रूफ करना है, तो बहुत सिंपल किया हमने, हमको प्रूफ करना है कि ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 2r. हमको पता है कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180, तो ऑब्वियसली एक ना एक एंगल तो राइट एंगल नहीं होगा. मान लेते हैं कि ए राइट एंगल नहीं है, अगर ए राइट एंगल नहीं तो ए से हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर खींचेंगे कहां तक, सर्कल तक, दैट एपी बी द डायमीटर एंड एपी का लेंथ विल बी 2r. एपी का लेंथ विल बी 2r. ना हमको पता है कि एंगल एसीपी जो है वो राइट एंगल है. क्यों? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज द राइट एंगल. नाउ एबीसी और एपीसी दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे बिकॉज दे आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. तो अगर एबीसी और एपीसी कॉन्ग्रेंट है तो साइन बी और साइन पी सेम होगा, और साइन पी कितना मिलेगा हमको, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, बी अपॉन 2r. बस हो गया काम. सो बी अपॉन 2r इक्वल टू साइन बी, देखो बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 2r. One of the ratio is equal to 2r. That means other two ratios are also equal to 2r because all the three ratios are equal. All the three ratios are equal. Just look at the question. Theorem, very easy theorem, sine rule. अच्छे से दो तीन बार practice करोगे तो answer आ जाएगा. क्या सीखने को मिला यहाँ से ये सीखने को मिला कि the sides of the triangles are proportional to the sine of the angles and all these ratios are equal to 2r. So a upon sine a is equal to b upon sine b is equal to c upon sine c is equal to 2r. Where A, B, C are the sides of the triangle. Angle A, angle B, angle C are the angles of the triangles. And 2r is nothing but circumradius of the circle. Circumradius of the circle. देख लो एक बार. Sir, वो at least one of the angle is not a right angle. उसको किसी और वैसे explain कर सकते हैं क्या? वो समझ में नहीं आया. As the sum of the three angle is 180. अगर triangle बन रहा है, अगर ट्राइंगल बन रहा है तो सबसे पहली बात तो आप दोनों, अगर आप ट्राइंगल बना रहे हो तो एटलीस्ट समझ में आता ना, कम से कम एक तो राइट एंगल नहीं होगा. ठीक है, दो राइट एंगल हो सकता है तो लीनियर प्लेन बन जाएगा, ट्राइंगल बनेगा ही. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इन तीनों को एंगल को मिला के 180 है. ठीक है, अगर मैं बोलूं एंगल बी 90 है तो इतने तो क्लियर है ना, ए प्लस सी 90 होगा. हाँ, A plus C 90 होगा. A plus C 90 तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो राइट एंगल नहीं होंगे ना, एटलीस्ट बोला एटलीस्ट, कम से कम एक तो राइट एंगल नहीं होगा. एटलीस्ट में एक भी आता है, दो भी आता है, तीन भी आता है, नहीं समझा? हाँ सर, वो हाँ समझा, कम से कम एक होना चाहिए बस. हाँ, कम से कम एक राइट एंगल तो नहीं होगा. अगर दोनों के दोनों राइट एंगल हो गए तो लीनियर पेयर बनेगा और ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्मेशन करना है आपको तो आपका एक ही राइट एंगल बन सकता है, एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं बन सकते. तो एटलीस्ट बोले एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज नॉट अ राइट एंगल. तो देखो, अगर ये बी को मैंने राइट एंगल लिया तो ए और सी राइट एंगल नहीं है, अगर बी को मैंने 60 लिया तो ए और सी भी राइट एंगल नहीं है. या तो दो राइट एंगल नहीं होंगे या तो तीनों के तीनों राइट एंगल नहीं होंगे. समझ में आया? ऐसा केसेस एटलीस्ट है, एटलीस्ट. यस सर. एंड वैसे भी सर एक राइट एंगल तो बनेगा ही ना, क्योंकि सेमी सर्कल में रहेगा. तो क्या बोल रहे हो, वापस बोलो. सेमी सर्कल में रहेगा ना ये ट्रायंगल अपना, तो एक राइट एंगल तो बनेगा ही. तो एक राइट एंगल बनाया हमने. हाँ सर. उनको मैं समझा रहा हूँ एटलीस्ट का मतलब क्या है, एक दो. ठीक है, तो ए और सी दोनों का दोनों राइट एंगल नहीं है, समझा? एटलीस्ट में एक भी आएगा, दो भी आएगा, तो ए और सी दोनों के दोनों राइट एंगल नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर कोई भी एक एंगल जीरो हो गया तो ट्रायंगल फॉर्मेशन ही नहीं होगा ना, कर्व बनेगा ही नहीं. क्लियर है? तो अपने केसेस में जो इन्होंने बताया, अपने केसेस में सिर्फ दो एक ही राइट एंगल बनेगा, बाकी दो राइट एंगल नहीं बनेगा. अगर आप एंगल बी को राइट एंगल नहीं बनाते हो, या एंगल सी को राइट एंगल नहीं बनाते हो, या एंगल ए को राइट एंगल नहीं बनाते हो, तो आपका ये थ्योरी फेल हो जाएगा. ठीक है, एक तो बनेगा ही परफेक्टली, सेमी सर्कल के अंदर रहेगा तो एक तो बनेगा, बट एटलीस्ट का मतलब है एक या दो. ठीक है, तीन नहीं हो सकते यहाँ पर. एक्चुअल में एटलीस्ट का मतलब कितना भी हो सकता है, एक से ज्यादा, बट यहाँ पे एक या दो राइट एंगल्स नहीं रहेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि अगर राइट एंगल बन जाता तो डायमीटर नहीं खींच पाते हम लोग, लार्जेस्ट साइड नहीं मिलता ना, हाइपोटेन्यूस लार्जेस्ट साइड होता है. ठीक है, आई होप कि इतना चीज समझ में आया, क्लियर हो गया अच्छे से. यस सर. आगे मूव करेंगे हम लोग कोसाइन रूल पे. ये हो गया अपना, नाउ वी विल सी द कोसाइन रूल. अच्छे से ध्यान दीजिए इसको, जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना, टेक्स्ट बुक का ही मैंने ऑब्वियसली कॉपी किया, क्योंकि थ्योरम्स एंड ऑल सब टेक्स्ट बुक का ही होना चाहिए. समझ में आया क्या? दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. हाँ, हर एक चीज मैंने आपको समझाया कि एसीबी 90 क्यों हुआ. एसीबी इसलिए 90 हुआ क्योंकि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. सर्कल चैप्टर में पढ़ा था आपने 11th में. फिर एंगल ए बी सी और एंगल ए पी सी
ये दोनों कॉन्ग्रेंट क्यों है? बिकॉज दे आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, दे आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. ठीक है, सब लिख के दिया रीजन मैंने, हटा रहा हूं इसको. दिस इज साइन रूल. नाउ वी विल चेक आउट द सेकंड कोसाइन रूल, थर्ड प्रोजेक्शन रूल. ये तीनों के ऊपर सम्स मिलेंगे आपको. प्रोजेक्शन रूल तो उन्होंने टोटली कोसाइन रूल से निकाला है. तो बात करते हैं हम लोग सेकंड थ्योरम आज का, दैट इज कोसाइन रूल. ध्यान देंगे अच्छे से. कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है. कोसाइन रूल में हमको क्या प्रूफ करना है? डायरेक्ट लाइन प्रूफ बोला है लोगे. बोला क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल, ये फॉर्मूला पढ़ने को बहुत इजी है, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा क्या करना है कैसे करना है. इन ट्राइंगल एबीसी गाइस, अगर आप ए स्क्वायर ले रहे हो तो बच्चे कौन से दो साइड्स? बी और सी. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो दो साइड्स आर एच एस में लिया है 2bc और जो LHS में उसका cos angle ऐसा. तो अगर आप LHS, अगर आप LHS में a square लेते तो RHS में दो sides का बचेंगे b square plus c square minus 2bc LHS का angle cos है. a square equal to b square plus c square minus 2bc cos है. Similarly second proof होगा इसका. ये था इसका first proof. इसका second proof होगा, ध्यान देना, इसका second proof होगा. अभी आपने LHS में लिया b square, तो b square is equal to क्या हो जाएगा? a square plus c square. जो दो sides से उनको 2 से multiply करो, 2ac और LHS का angle ले लो cos b, ठीक है. अब third वाला हम लोग बनाते हैं, सब लोग बनाओ अच्छे से. देखो third वाला क्या बनेगा? third वाला बनेगा c square, जो sides से उसको छोड़ के बाकी दो sides को RHS में लो, क्या बन जाएगा ये? a square plus b square, b square माइनस दो साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab और LHS का एंगल cos c. सो दीस आर द थ्री फॉर्मूलास वी हैव टू प्रूव कैसे आया, ठीक है. a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a. आई होप कि आपको फॉर्मूला थोड़ा बहुत ट्रिक समझ में आया लिखना कैसे. a स्क्वायर जो साइड रहेगा उसको LHS में लेने का पहले बचे हुए दो साइड्स RHS में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 2bc cos एंगल ऑफ LHS, ठीक है. कोशिश करो खुद से, ट्राई करो इसको. नाउ कोसाइन रूल में हम लोग को यही प्रूफ करना है. वी विल मूव टू कोसाइन रूल. इसमें एक प्रूफ करेंगे, बाकी सिमिलरली लिखेंगे, ठीक है. सब कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो होता है. नाउ वी विल से वी आर गोइंग टू टेक ए एज एन ओरिजिन, टेक ए एज द ओरिजिन, टेक ए एज अ ओरिजिन. तो जैसे मैंने यहां पे ए को ओरिजिन लिया, एक्स एक्सिस अलोंग ए बी, x-axis along AB and the line perpendicular to AB and the line perpendicular to AB through A and the line perpendicular to AB through A is the y-axis. And the line perpendicular to AB through A is the y-axis. The coordinates of diagram बना के समझाऊंगा तो, the coordinates of A, B and C are, the coordinates of A, B and C are origin 0, 0, dusra C, 0 and tisra b cos c comma b sin a, b cos c comma b sin a respectively, ठीक है. अब आते हैं डायग्राम पर. टेक a एज एन ओरिजिन, तो आपको क्लियरली बोला है a को ओरिजिन लेना है, तभी तो a का कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गया. तो अगर a ओरिजिन है तो ऑब्वियस है कि a x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन होगा, तभी तो ए को ओरिजिन बोला जा रहा है गाइस. अगर ए ओरिजिन है तो ऑब्वियस है कि ए जो है
वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होगा, तो ए जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो ए मिल गया आपको 0.0, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या बोला, टेक ए एज एन ओरिजिन एक्स एक्सिस अलोंग ए बी, तो एक्स एक्सिस जो है उस पर ए बी बैठा है, ठीक है, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू ए इज द वाई एक्सिस। तो ये जो लाइन इसको परपेंडिकुलर है कौन है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है कि ए बी का, ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0.0 होगा, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये ए है ये बी है तो इसको सी बोल देंगे, तो ए के ऑपोजिट कौन है, साइड ए, बी के ऑपोजिट कौन है, साइन बी, और सी के ऑपोजिट कौन है, साइड सी। तो अभी बी किधर लाई करता है, बी एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो, तो इसका लेंथ कितना है, सी कॉमा जीरो, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सी कॉमा जीरो, कितना हो गया बी का कोऑर्डिनेट, सी कॉमा जीरो, अपने इतना अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सी कॉमा जीरो। अब बात करते हैं सी का कोऑर्डिनेट, तो ए का कोऑर्डिनेट 0.0 मिला, बी का कोऑर्डिनेट सी कॉमा जीरो मिला, सी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, सी का कोऑर्डिनेट आएगा बी कॉस सी कॉमा बी साइन ए। आप लोग बोलेगा सर कैसे आए, तो देखो ये ए सी का लेंथ कितना है, ए सी का लेंथ है बी, तो आप लोग को मैंने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, आपको याद होगा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है ना किसी भी पॉइंट का, r क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो r की जगह पे क्या आएगा, b आएगा, इधर पे भी r की जगह पे क्या आएगा, b आएगा, और एंगल क्या है, अच्छे से देखो एंगल क्या है इसका, इधर से समझ में आता है, इधर लॉन्ग लिखा मैंने क्या आएगा, इसका आर्क्यूट एंगल कितना है, इसका आर्क्यूट एंगल थीटा है, क्योंकि ये ए के ऑपोजिट है, इसको टीटा नहीं बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, ठीक है। तो टीटा की जगह क्या आएगा, ए, और यहाँ पे भी टीटा की जगह क्या आएगा, ए, याद है पोलर कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस इज बी एंड एंगल इज ए, सो आर आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा गेट ट्रांसफॉर्म टू बी कॉस ए इंटू बी साइन ए। बोलो समझा कि नहीं समझा, कि वापस बताओ प्लीज, कंफर्म करो समझा कि वापस बताओ, समझा सर, पोलर कोऑर्डिनेट्स r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, तो यहाँ पे r का जगह b ने लिया है और एंगल का जगह a ने लिया है, सो b cos a into b sin a, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा will converted to b cos a into b sin a। सो हमको तीनों के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, a lie on the origin, so a will be 0.0, b is on x axis, x axis at a distance of c from origin, so b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c comma 0, and c is a point in a space which is at a distance of b units from the origin and making an angle a, so its formula will be r cos theta comma r sin theta will get transformed to b cos a into b sin a, b cos a into b sin a, b cos a into b sin a, to a b c तीनों के हम लोग को क्या मिल चुके, तीनों के हम लोग को coordinates मिल चुके, a b c तीनों के हम लोग को coordinates मिल चुके, ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई doubt नहीं है। इतना क्या proof करना है हमको, to prove that, हमको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर जो है पहला वाला, देखो एक प्रूफ करेंगे बाकी दो को हम लोग सिमिलरली लिखेंगे, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, ये प्रूफ करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए। एलएचएस का पार्ट ले लेते हैं इसका, एलएचएस का पार्ट कितना है इसका, एलएचएस का पार्ट है ए स्क्वायर, डायग्राम में देखो ना ए स्क्वायर कितना होगा, डायग्राम डायग्राम ए स्क्वायर कितना, डायग्राम में ए इज नथिंग बट बी सी, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ए हो जाएगा अपना बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस बी भी पता है आपको और सी भी पता है आपको, कैन वी अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बी कितना है सी कॉमा जीरो, और सी कितना है आपका बी कॉस ए इंटू बी कॉस ए कॉमा बी साइन ए, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मला अप्लाई करता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मला सबको पता है, स्क्वायर है तो रूट आने की जरूरत नहीं है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, ठीक है। तो सी माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, वाई टू बी जीरो, वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सर। सी का कोऑर्डिनेट कैसा लिया आपने,
मैंने बताया ना पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, मैंने बोर्ड पे तो ही बताया अभी आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन पोलर कोऑर्डिनेट्स आ रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स। हाँ सर। तो आर कितना है मेरा, आर का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है ना, आर की जगह पे बी पुट किया है और थीटा की जगह पे कौन है इन प्लेस ऑफ थीटा वी आर गेटिंग एंगल ए अगर किया तो आगे पीछे ए माइनस बी स्क्वायर इज सेम एज बी माइनस ए द होल स्क्वायर, राइट है तो समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज सेम एज बी माइनस ए द होल स्क्वायर, आपका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे स्क्वायर निकाला तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, क्या मिलेगा सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर वन बचेगा ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन होता है, सबको पता है कितना गया अपना आंसर। अच्छे से देखो तो एल एच एस में ए स्क्वायर था, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्डाइज करेंगे तो बी स्क्वायर पहले प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, और ये प्रूफ करना था हमें, देख लो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, सिमिलरली बाकी दोनों को आप इधर नीचे लिख दोगे, ठीक है एक बार देख के लो इसको अच्छे से फटाफट एक बार देख के लो, ये था आपका थ्योरम ऑफ कोसाइन रूल। तो ये हो गया दो रूल आपका, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, ठीक है दोनों में से एक 100% चांसेस रहता है पेपर में आने का। साइन रूल आपको मैंने अच्छे से पढ़ा था, रेशियो ऑफ द साइड्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल्स, इधर हमने पढ़ा कोसाइन रूल, एक बार देख लिया इसको अपने अच्छे से।
सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब बी स्क्वायर के लिए क्या करोगे आप, इधर बी ले लोगे, सी स्क्वायर के लिए क्या करोगे सी ले लोगे. तो आप यहाँ पे कन्वेंशन वाइज ए बी सी को चेंज करोगे ना तो अपना काम हो जाता है. हम लोग यहाँ पे ए को ओरिजिन लिया था, इस केस में बी को ओरिजिन ले लेंगे, थर्ड केस में सी को ओरिजिन ले लेंगे. एक पॉइंट को एक्स एक्सिस पे लाई कराएंगे, एक पॉइंट को स्पेस में लाई कराएंगे, तीन कोऑर्डिनेट्स बनेगा, तीनों पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वी कैन इजीली गेट द आंसर. तो वो प्रूफ करने का जरूरत ही नहीं, इसलिए एक ही पढ़ो फिलहाल, ठीक है. एंड रिमेंबर द फॉर्मूला, हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से बताया. अगर आप एलएचएस में ए स्क्वायर ले रहे हो तो आरएचएस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा माइनस टू बी सी कॉस ए. हटाओ इसको, ये क्लियर है सबको एवरीवन, इतना समझ में आया पक्का? यस. डाउट नहीं ना साइन रूल कोसाइन रूल दोनों में, साइन कोसाइन दोनों समझ में आया ना? नाउ लेट अस चेक द थर्ड वन. थर्ड वन का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ाऊंगा प्रोजेक्शन रूल का, क्योंकि उसका प्रूफ पढ़ने का जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आता है. थर्ड हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन रूल. प्रोजेक्शन रूल का सीधा सीधा फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला भी कोसाइन रूल से ही प्रूफ किया है. तो थर्ड का बात करते हैं हम लोग, थर्ड है अपना प्रोजेक्शन रूल. प्रोजेक्शन रूल इसमें भी तीन केसेस हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी. फर्स्ट केस आएगा इसका ए इज इक्वल टू, अब ए इज इक्वल टू क्या, बी प्लस सी, ठीक है. अब बी को देने का कॉस सी का एंगल और सी को देने का बी का एंगल, तो ए इज इक्वल टू बी, बी को सी का एंगल दे दो, तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. तो ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. ऐसे सेकंड वाला, सेकंड क्या रहेगा मेरा बी, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी इज इक्वल टू इधर सी आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा, इधर सी इधर ए. तो सी को ए का एंगल, तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ठीक है. फिर आ गया थर्ड वन, थर्ड वन हो गया सी मेरा, तो सी कितना आ गया इधर ए और इधर बी, तो ए को बी का एंगल, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है. दिस इज द प्रूफ, दिस इज द फॉर्मूला, सॉरी डोंट नीड टू प्रूफ दिस, पेपर में इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता ज्यादा, ठीक है. सो वी आर डन विद ऑल दिस थ्री फॉर्मूला, साइन रूल कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. तीनों फॉर्मूलाज हम लोगों ने अच्छे से कर लिया. एक बार आप तीनों फॉर्मूलाज फटाफट पढ़ लो, इसके सम्स देखते हैं हम लोग, तीनों फॉर्मूलाज को फटाफट पढ़ लो. विल टॉक अबाउट सम्स ऑफ सम्स बेस्ड ऑन इट, देखते हैं एक या दो सम तो हो जाना चाहिए शायद अपना. तीनों फॉर्मूलाज एक बार स्टडी करो फटाफट, साइन रूल कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, साइन रूल कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. आते तो 3.2 एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लिया था, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. अब आते हैं हम लोग इसके अगले सम पे, ठीक है. तो हम लोग को पढ़ना है आगे क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3. बहुत ही इजी सी सम से गाइस, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 45 दिया है, एंगल बी 60 दिया है, बोला क्या फाइंड द रेशियो ऑफ इट साइड्स, ठीक है. हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है यहाँ पे थर्ड सम में एंगल ए कितना दिया है, एंगल ए दिया है यहाँ पे 45 डिग्री और एंगल बी दिया है यहाँ पे 60 डिग्री. फाइंड द रेशियो ऑफ इट साइड्स, मतलब हमको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है साइड्स का. साइड्स क्या होता है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये फाइंड करना है हमको. तो हमको बताया कि ए रेशियो बी रेशियो सी इज सेम एज साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी. अभी जस्ट पढ़ा था हमने, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. ए पता ही है, बी पता ही है, सी निकल जाए काम हो जाएगा, ठीक है. तो सी तो रिमेनिंग एंगल से ही मिल जाएगा. एंगल ए अगर 45 है, एंगल बी अगर 60 है,
तो क्लियर है कि एंगल सी 75 होगा, ठीक है। जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उस पर जाना पड़ा, ठीक है। बाय साइन रूल वी नो दैट, बाय साइन रूल वी नो द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता है हमको, बाय साइन रूल ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r मत लिखना, जहां पे भी 2r के बारे में नहीं पूछा वहां पे 2r मत लिखना। सो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है। तो यहां से अगर रेशियो निकाला दो दो करके तो ए अपॉन बी कितना मिलेगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए बाय साइन बी, और दूसरा b अपॉन c इज इक्वल टू साइन b अपॉन साइन c। ठीक है, तो अगर हम लोग तीनों को क्यूमुलेट किया तो क्या मिलेगा, देयरफॉर a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी इज नथिंग बट साइन सी। तो नाउ हमारे पास एंगल ए कितना है, एंगल ए 45, एंगल बी 60, तो हम लोग को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180, ठीक है। तो एंगल ए कितना है मेरे पास 45, एंगल बी कितना है 60, हमको एंगल सी चाहिए, तो देयरफॉर एंगल सी कितना आएगा 75 डिग्री। क्लियर है ना, हमको साइन ए साइन बी साइन सी चाहिए थे, देयरफॉर साइन ए कितना हो जाएगा, देयरफॉर साइन ए इज एक्चुअली साइन 45, एंड वी ऑल नो दैट साइन 45 कितना होता है 1/√2। बात करेंगे साइन बी का, साइन बी कितना है साइन 60, साइन बी कितना है अपना साइन 60, साइन 60 कितना अपना √3/2, ठीक है। उसके बाद आता है साइन सी, साइन सी कितना हो जाएगा साइन 75, इसको हम लोग को कंपाउंड एंगल लगाना पड़ेगा, तो साइन 75 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 कंपाउंड एंगल, साइन 45 प्लस 30, ठीक है। साइन 45 प्लस 30 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सबने पढ़ा है ना फॉर्मला साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इतना सबने पढ़ा है। वी नो दैट देयरफॉर साइन सी कितना होगा, देयरफॉर साइन सी इज इक्वल टू साइन 45 वन बाय रूट टू कॉस 30, कॉस 30 √3/2 साइन 45 1/√2 साइन 30 हाफ, तो दोनों को सॉल्व करो कितना मिलेगा, ये √3 + 1/√2, तो साइन ए साइन बी साइन सी तीनों मिल चुका है हम लोगों, तीनों ही मिल चुका है। देयरफॉर जो अपना रेशो था ए रेशो बी रेशो सी, जिसको हमने लिखा था साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी, ठीक है, कितना हो जाएगा साइन ए, साइन ए हो जाएगा अपना 1/√2, यहाँ पे आ गया रेशियो में 1/√2, साइन बी कितना हो जाएगा अपना √3/2, और साइन सी कितना हो जाएगा अपना √3 + 1/√2। एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम एलसीएम आता है लेने, ये 2√2 है इसको भी 2√2 बनाएंगे, तो इसको 2√2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 है √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करने के लिए √3 × √2 विल बी √6, और यहाँ पे तो पहले से 2√2 है, तो हो जाएगा √3 + 1, दिस आर द रेशियो 2:√6:√3 + 1। बोलो समझा कि नहीं समझा, कंफर्म करो, सम नंबर थर्ड समझ में आया सबको, सिंपल सा समझता है, इसमें कुछ है नहीं सिखाने जैसा, सबको समझा थर्ड सम। सर वो साइन 45 प्लस 30 वाले में वही एंगल लेने का जिसकी वैल्यू निकलती है। हाँ परफेक्ट सुपर, वही एंगल लेने का जिसका वैल्यू निकलता है, अदरवाइज से सॉल्व नहीं हो पाएगा, वही वैल्यू लेने का जिसको वैल्यू निकलती है।
ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्लियर है, समझा? हाँ सर। ठीक है, हटाओ इसके लिए, सब इजी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, रेशियो ऑफ इट्स साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, साइन ए रेशियो, साइन बी रेशियो, साइन सी। इजी सम था क्वेश्चन नंबर थर्ड, विल मूव टू द नेक्स्ट वन, हटा इसको। We'll see the next one, question number 4. Question number 4 में बोला है, in triangle ABC, prove that sine of B minus C by 2 is equal to B minus C by 2 cos a by 2, ये प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूफ दैट साइन ऑफ बी माइनस सी बाय 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी बाय 2 कॉस ए बाय 2। नाउ कैपिटल जो है वो एंगल्स है, स्मॉल जो है वो साइड्स है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो गाइस इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग साइन रूल। सो बाय साइन रूल हम सबको पता है फॉर्मूला क्या है। तो बाय साइन रूल we all know that a upon sin a is equal to a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c। मान लेते हैं कि इनका जो रेशियो रहेगा वो कॉन्स्टेंट k रहेगा, तो यहां से तीनों साइड्स की वैल्यू मिल जाएंगे। तो a कितना मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा k टाइम्स ऑफ साइन ए, बी मिल जाएगा k टाइम्स ऑफ साइन बी, और सी मिल जाएगा k टाइम्स ऑफ साइन सी। ठीक है, नाउ पिक द आरएचएस। तो आरएचएस कितना था अपना, आरएचएस था आपका b माइनस सी बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, ये फॉर्मूला। तो b भी पता है, c भी पता है, तो बी कितना अपना इस क्वेश्चन में रॉन्ग दिया, बी माइनस सी बाय ए दिया है, ठीक है, बी माइनस सी बाय ए। तो बी कितना अपना, बी का वैल्यू रहेगा के साइन बी, सी कितना रहेगा के साइन सी, और ए कितना रहेगा के साइन ए, k sin a into cos a by 2 into cos a by 2, ठीक है ना। सो k तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकाल के आराम से, तो k कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा इधर sin b minus sin c divided by sin a into cos a by 2, बन गया फॉर्मूला। साइन बी माइनस साइन सी का फैक्टराइजेशन बताओ ना आपको, साइन बी माइनस साइन सी का फैक्टराइजेशन, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। साइन बी माइनस साइन सी का फैक्टराइजेशन टू कॉस बी प्लस सी बाय 2, टू कॉस बी प्लस सी बाय 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाय 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाय 2, ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर का फॉर्मूला। टू कॉस बी प्लस सी बाय 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाय 2, नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन ए का फॉर्मूला कितना आएगा, टू साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, टू साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, और यहाँ पे इंटू कॉस ए बाय 2 पहले से ही है। इतना क्लियर है, टू टू कट हो गया, ये टू और ए टू कट हो गया, कॉस ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 कट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, इतना क्लियर हो गया सर, ये स्टेप नहीं समझा, ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है फैक्टराइजेशन ना, साइन सी माइनस साइन डी इज टू कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, ये फॉर्मूला पढ़ा है फैक्टराइजेशन में, 11th में फॉर्मूला था ये फैक्टराइजेशन, पढ़ा हुआ है सर, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, बाय ऐड करना पड़ेगा। तो साइन बी माइनस साइन सी कितना हो जाएगा,
टू कॉस बी प्लस सी बाई टू डॉट साइन बी माइनस सी बाई टू, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लिया मैंने. सर वो साइन ए, हाँ बोलो, साइन ए का भी फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन थीटा, साइन थीटा इज टू साइन थीटा बाय टू डॉट कॉस थीटा बाय टू. डबल एंगल फॉर्मूला क्या है, साइन टू थीटा कितना होता है, साइन टू थीटा होता है टू, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो पढ़ा रहेगा ना, साइन टू थीटा टू कॉस थीटा साइन थीटा, सो हाफ एंगल लिया तो यादा यादा यादा, तो साइन थीटा इज टू साइन थीटा बाय टू डॉट कॉस थीटा बाय टू, हाफ एंगल फॉर्मूला, समझा. देखो साइन बी माइनस सी बाय टू चाहिए तो इसको तो मैं सेफ रखने वाला हूँ. कॉस बी प्लस सी बाय टू को मैं कैसे हटाऊंगा गाइस, सुनो ना, आप सबको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो पाई होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक है. तो यहां से अगर मैंने b प्लस सी निकाला तो b प्लस सी कितना मिलेगा, पाई माइनस है, ये तो क्लियर है. बट मेरे को b प्लस सी बाय टू चाहिए तो कितना हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस ए बाय टू. बोलो ये समझा कि नहीं समझा, सच बोलना, समझा. ये a प्लस b प्लस सी इज 180, सो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए डिवाइडिंग बाय टू, तो b प्लस सी जो अंदर का एंगल है, b प्लस सी बाय टू कैन बी रिटन एज पाई बाय टू माइनस ए बाय टू, पाई बाय टू माइनस ए बाय टू. तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं कॉस बी प्लस सी बाय टू को लिख रहा हूं पाई बाय टू माइनस ए बाय टू इंटू साइन बी माइनस सी बाय टू को मैं सेम रखूंगा, साइन बी माइनस सी बाय टू को मैं सेम रखूंगा, और डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा हूँ साइन ए बाय टू. इसको भी डाउट है ये कैसे आया, तो बाजू में वही वाला वर्किंग दिखा दो. सिंस यू नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, so therefore b plus c by 2 is actually equal to pi by 2 minus a by 2. yeah, so guys simple formula, cos 90 minus theta is sin theta, sabne padha rahe hai na, so cos 90 minus theta is sin theta, to kitna ho gaya sin a by 2, so sin a by 2 into sin b minus c by 2 into sin b minus c by 2 divided by sin a by 2. साइन ए बाय टू, साइन ए बाय टू को हम लोग उड़ा सकते हैं आराम से, क्या बचेगा अपना आंसर, साइन बी माइनस सी बाय टू, विच इज अवर एलएचएस. ये प्रूफ करना था हमको, साइन रूल से दोनों सम्स किया हमने, फर्स्ट सम भी, थर्ड सम भी और फोर्थ सम भी बाय साइन रूल. ओके, आपको समझ में आया हो अच्छे से. तो आज के लेक्चर में हमने देखा साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्लियर हो सबको, आपको समझ में आया सच में, एवरी वन पक्का? हाँ सर, ये सब समझा अच्छे से सबको, ये फॉर्मूला सबको पढ़ना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद नहीं रहता बहुत जन को, तो ये चारों फॉर्मूला पढ़ लो, साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी माइनस साइन सी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, सब पढ़ लेना अच्छे से,